उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आज उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर चर्चा करेंगे। सीएम धामी भी विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज विधानसभा में पेश किया जाएगा यूसीसी का बिल। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया कि एक लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, आज विधानसभा में पेश किया जाएगा यूसीसी बिल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत का संविधान दिखाते हुए मुख्यमंत्री धामी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष इस बिल को लेकर तमाम तरीके के सवाल दाग रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा में आज पेश किया जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री धामी। और विपक्ष की तरफ से पहले से ही रुख स्पष्ट हो चुका है कि सवाल वो उठाएगा ही। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत का संविधान दिखाते हुए, क्योंकि वो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो बताते हुए जो पक्ष के नेता हैं वो नजर आए हैं। सत्ता पक्ष के लोग बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब समान अधिकार दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसिला इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी आपके पास, मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल, संविधान की जो मूल प्रति है उसके साथ मुख्यमंत्री विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री आवास से, और कुछ ही पल में वो यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो आप देखिए किस तरह से आज विधानसभा में पूरी तैयारी है, क्योंकि ये आज उत्तराखंड की विधानसभा में एक तरह से इतिहास बनाने का काम होगा। जब आज़ाद भारत में पहली बार समान नागरिक संहिता का कानून किसी प्रदेश में लागू होने जाएगा, तो आप देखिए विधानसभा में सुरक्षा भी पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। अंदर से लेकर बाहर तक केवल वही व्यक्ति अंदर प्रवेश करेंगे जो अधिकृत होंगे, यानी जिनके पास आईडी कार्ड्स होंगे वही अंदर प्रवेश करेंगे, बाकी किसी व्यक्ति का प्रवेश अंदर नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, सबसे पहले सदन में यूसीसी विधेयक और आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण विधेयक रखा जाएगा। और जो पास पहले काल आए सीएए लाए, आपने पारित भी करवा दिया दोनों सदनों से, लेकिन लागू क्यों नहीं कर पाए आप, क्यों नहीं कर पाए बताइए, कोई तो कारण रहा होगा, क्योंकि उससे भी कई कई समुदायों के हितों पर चोट पहुंच रही थी, इसलिए आपको लगा कि ये देश के लिए खराब हो मुश्किल हो सकती है, तो आपने लागू नहीं किया उसको। अब आप जो है अब उसको आप ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड रह गया जब एक राज्य का रह गया? यूनिफॉर्मिटी तो तब रहेगी ना जब आप संविधान की भावना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुसार सारे देश के लिए एक लाएंगे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि आज जो बिल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश होगा ये पास भी हो जाएगा? आप जब आप कोई नियम कानून परंपरा का पालन ही नहीं कर रहे हैं तो आप तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं राज्य सरकार के विवेक से अपील करना चाहता हूं कि इसके अध्ययन का पूरा मौका अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसिला लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, तस्वीरों में हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। और आपको गाड़ियों से आप सामने नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री किस तरह से वो सदन की ओर आ रहे हैं, क्योंकि आज ये कहीं ना कहीं ये इतिहास होगा जब आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा, और आज इस पर चर्चा होनी है और आज ही इसी का पारण होना है, उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। सदन के पटल पर इस विधेयक को रखा जाएगा और देखिए मुख्यमंत्री सामने से आते हुए आपको नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारी पूरी तरह से है। और सबसे बड़ी बात यह है पूरे देश की पूरे विश्व की निगाहें आज उत्तराखंड पे हैं, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड से ये पूरे देश को पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा। और आप देखिए सामने से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ऐतिहासिक दिन आज है, सर क्या कुछ कहेंगे आज ऐतिहासिक दिन? आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है और आज देवभूमि से समान नागरिक संहिता लागू होने की दिशा में हम आज सदन में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, पूरे विश्व की नज़र आज आज उत्तराखंड पर है। निश्चित रूप से देवभूमि है और देवभूमि से ये काम सबको समानता का, सबको समान कानून का,
ये काम जो हमारा चुनाव का एक संकल्प था वो चुनाव पूरा। विपक्ष के मित्र सर नाराज चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सबसे कहूंगा कि इसे एक अच्छे काम के लिए समाज साथ में। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज ऐतिहासिक दिन है, आज तमाम लोग चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों सभी लोग सहयोग करें क्योंकि आज उत्तराखंड से इतिहास रचने जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ आप देखेंगे तो संविधान की मूल प्रति को लेकर वो अपने साथ पहुंचे हैं और ये तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत का संविधान की प्रति लेकर मुख्यमंत्री यहां से विधानसभा के लिए रवाना हुए और फिलहाल विधानसभा वो पहुंच चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, अब आगे का प्रोसेस किस तरीके से चलेगा इस पर चर्चा भी होगी और उसके बाद ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं विधायक को पढ़ने का समय दिया जाएगा चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर हैं मनु गौड़ जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इसके एक सदस्य रहे, उनको सदन में बुलाया जा सकता है जो तकनीकियां हैं वो समझाने के लिए। तो ये प्रोसेस 11 बजे शुरू हो जाएगा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले सदन के पटल पर यूसीसी विधेयक और उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक, ये दो विधेयक सदन के पटल पर रखे जाने हैं। चर्चा केवल यूसीसी पर होगी और पारण भी आज यूसीसी का होगा देर शाम तक। बिल्कुल सुरेंद्र, और क्योंकि ये बार बार महिलाओं के हित में सबसे अहम कदम माना जा रहा है, अभी तक जो प्रावधान रहते थे जो अलग अलग कानून बने थे वो कम से कम इसके लागू होने के बाद एक हो जाएंगे सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए बहुत सशक्त कानून है और यही मुख्यमंत्री ने कहा है और जो हमारे सोर्सेज ने बताया, जो विशेषज्ञों ने बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को अलग अलग धर्म अलग अलग जाति में उस तरीके से नहीं मिलते थे और उन्हीं को लेकर ये पूरा कानून बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं इस कानून के आने के बाद सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। महिलाएं जो पहले शिकायत नहीं कर पाती थी उनको एक हथियार के तौर पर यूसीसी मिलेगा और इसीलिए सरकार का पूरा फोकस, सरकार की पूरी कोशिश इस विधेयक को लेकर है। सदन में थोड़ी ही देर पर यह विधेयक रखा जाएगा और वही पल सबसे महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी जब आपने बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि जो संकल्प हमने लिया था 2022 में अब उसका वक्त पूरा करने का समय आ गया है। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने यही बात कही कि 2022 के चुनाव से पहले हमने एक बात कही थी, सत्ता में आते ही हमने सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर तय किए और सभी मेंबर बहुत लर्नेड हैं, चाहे रंजना प्रकाश देसाई हो चाहे प्रमोद कोहली हो, दोनों पहले जज रह चुके हैं, विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा मनु गौड़ हो, इसके अलावा शत्रुघ्न सिंह पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड, इसके अलावा सुलेखा डंगवाल जो कुलपति हैं दून विश्वविद्यालय के, तो सारे मेंबर बहुत योग्य और विशिष्ट थे इसीलिए इनको जगह दी गई थी। और इस पूरे कानून को बनाने में पूरा एक पर्याप्त समय इस ड्राफ्ट को बनाने में लिया गया है, लोगों की राय ली गई है, 45 से ज्यादा अलग अलग जगह पर संवाद रखे गए हैं और उसके बाद ये कानून ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और कैबिनेट की मुहर के बाद ये विधेयक बन चुका है और अब आज इसे विधेयक के तौर पर विधानसभा में रखा जाएगा, यानी एक कानून बनने की ओर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सुरेंद्र, और ये सरकार की इच्छा शक्ति दर्शाता है क्योंकि जब सत्ता में आई बीजेपी दोबारा से तो कमेटी का गठन किया गया, उसके बाद ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट सौंपा गया और अब आज हम देख रहे हैं कि सदन के पटल पर ये रखा जाएगा।